महाराज यदु की कई पीढ़ियों बाद मथुरा में एक राजा हुए हैं भक्तों जन। राजा का नाम है महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन बड़े न्यायप्रिय राजा थे। कैसे राजा थे? अरे उग्रसेन गुणबान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, अरे जकी प्राणन प्यारी पवन तो रेखा घर में सुंदर नारी। महाराज की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। अरे के सुंदर प्यारी है सुंदर प्यारी सुंदर प्यारी के सुंदर प्यारी। अरे पवन रेखा एक घर में तीरे सुंदर जकी प्यारी। धरे प्रभु को ध्यान हमेशा गान करे तपधारी करे तपधारी। जग नाये कोई संतान रे सोच दिल में भारी। लोगों लीलाधर की लीला किसी ने नहीं जान पाई। ओ कऊ के भवन बनित मरमर के कऊ के हाये के झुपड़िया नाई। और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा काऊ के एक बकरिया नाई। ओ काऊ के नोट तिजोरन भर रे काऊ के कानी कोड़िया नाई। ओ काऊ के लड़का ददस खेले राजा की एक छोरिया नाई। ओरे मुरली बाले श्याम हाई तेरी लीला न्यारी है। ओरे बंसी बाले श्याम राम तेरी मेहमान न्यारी है। ओरे मुरली बाले श्याम हाई तेरी लीला न्यारी है। लीला न्यारी है नाथ तेरी लीला न्यारी है रे हाय तेरी मेहमान न्यारी है। ओरे बंसी ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया। ध्यान रखना दोस्तों, रानी पवन रेखा पतिव्रता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि महारानी पवन रेखा की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और भक्तों एक बात और बता दूं, औरत कितनी भी सुंदर हो कितनी भी पढ़ी लिखी हो कितनी भी विद्वान हो, अगर वो उसकी गोदी में खिलौना नहीं है तो औरत टेसू का फूल है, टेसू का फूल। और एक बात और भी है, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, सुनता हूं जो औरत अपने जीवन में पुत्रन पाती है वो स्वयं नरक में जाती है और पति को भी ले जाती है वो स्वयं नरक। अपनी जीवन में पुत्रन पाती है वो खुद तो नरक में जाती है और पति को भी ले जाती है वो स्वयं नरक में। जो स्त्री अपने जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं करती वो स्वयं तो नरक में जाती है लेकिन अपने प्राण नाथ को भी ले जाती है। लोगों अगर आधार को पूछा जाए तो जिंदगी में तीन दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये तीन दिन जिस ग्रस्त ने देख लिए हकीकत में वो किस्मत वाला है। कौन कौन से? जिंदगी में दिन तीन बड़े नीके लागे। पहरो दिन अच्छो लगे दुल्हन घर गोने में आए, हरसन हिये में समाए सारी रात जागे। जिंदगी में दिन तीन बड़े नीके लागे।
और दूसरा दिन अच्छो लगे जब प्राण प्यारी पुत्र जने, उस समय सब दुख भागे, और तीसरा दिन अच्छो लगे जब पुत्र को विवाह हुई। ये तीन दिन जिसने देख लिए हैं वो इंसान बहुत किस्मत वाला है, लेकिन महाराज उग्रसेन की तो तकदीर पहला ही दिन देख करके सो गई, कोई संतान ही नहीं। इधर रानी आंगन में बैठी है, सोच रही है, प्रभु हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मैं पुत्रवती न बन सकी। आरे करता तेरी नजरी है निराली, आंगन में बैठी है, बिलख रही है, अरे विधना तेरी नजर है निराली, और मोई दियो ना लाला भैया लाली, और मेरी राम रे गोदरई खाली, और तूने नजरी कहाँ पे प्रभु जी डारी, और नदिया होती पुल बनवा धीमो पे समुद्र पाटो जाए, और बछड़ा हो तो बनवाती बरियो साणु नाथ हो जाए, ओ बछड़ा हो तो बनवाती मो पे साणु नाथ हो जाए, और पीतल होती बाय बदलाती बरियाई कोखिन बदली जाए, अब तो हिलकी भर के रानी अजुआंगन में रोई है भैया, हिलकी भर ठकुरानी अजुआंगन में रोई है यारो, हिलकी भर के गोरी अजुआंगन में रोई है, आंगन में रोई है नारी आंगन में रोई है यारो, हिलकी यारो हिलकी भैया हिलकी भर के रानी अजुआंगन में। आज भक्तो महारानी पवन रेखा जब महाराज उग्रसेन दरबार को चले जाते हैं तो हिचकियां ले लेके रोती हैं, लेकिन अपने पति के सामने मुस्कुराती हैं। पति को नहीं मालूम है कि महारानी की हालत जैसे कोई पक्षी पिंजरे में होता तो उसकी वेदना को पक्षी ही जानता है, दूसरा नहीं। एक दिन का जिक्र है कि रानी मासिक धर्म से निवृत्त हुई। जब ये मासिक धर्म से पवन रेखा निवृत्त होती है दोस्तों, स्नान करके कपड़े बदल के सोलो श्रृंगार कर बैठ गई। महाराज उग्रसेन आए हैं तो मुस्करा के, वैसे सुंदर तो थी महारानी, महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज पवन रेखा के चेहरे की फफन उनकी एक अजीब अदा मालूम पड़ी है। महाराज मुस्करा के बोले, देवी आज क्या कारण है? बहुत श्रृंगार करके बैठी हूं, क्या इरादा है? पिया मन की बात कहूं? हां जरूर कहिए। अपने प्रीतम से कोई बात को छुपाना ये न्याय संगत बात नहीं। शर्माओ नहीं, कहो। नीचे को गर्दन करके बोली है, पिया हां मेरो आंगन में मनो नाए लगी रहोगे कहूं डोलियाऊं, कह रही है मेरे आंगन में मनो नाए लगी रहो है चलो डोलिया बे, मेरो आंगन में जीना है लगी रहो है पिया डोलिया बे मेरो, महाराज बोले गोरी
कहां चलना है? तो महारानी बोली, जंगल में चल के हवा को खाऊं, ऋषि मुनिन के दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, मेरो संतन को जिया रायु मंगी रहोगे, चलो डोलिया भी मेरो आंगन में मन नाए लगी रहो है, चलो डोलिया भी मेरो आंगन में दिलो नाए लगी रहो है, चलो डोलिया भी मेरो बेड़े। महारानी पवन रेखा कहने लगी, हे प्रीतम जंगल में चलते हैं, जंगल की पावन हवा का पान करूंगी और ऋषि मुनियों के दर्शन करूंगी, मेरा ऐसा जी चाहता है। गोरी चलने को तो मेरा भी जी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे हमने अधूरे छोड़ दिए जिन्हें आज निपटाना है, इसलिए तुम ऐसा करो अपनी सहेलियों को लेकर और तुम जंगल में घूम आओ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोस्तों महाराज ने आज्ञा दे दी। आदरणीय पवन रेखा अपनी संग की सहेलियों को लेकर भगवत प्रेमियों जब जंगल में पहुंची है, हाय हाय जंगल की शोभा कैसे बताऊं तुम्हें, क्या हालत है जंगल की। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा जब महारानी पवन रेखा का दुपट्टा उड़ा के चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संग की सहेलियां इसके साथ सिटोली कर रही हूं। भौरा भुनुन भुनुन करके कलियों का रस ले रहे हैं, ठुम ठुमक ठुमक ठुम ठुमक ठुमक जब संग की चले सहेली है, और मानो कांच महल को छोड़ के अब जंगल में यदि खेली है, पपिया जब प्यों प्यों करे बोल रही मैना, ओ रानी सज के चली पहन ले गहना, महाराज पहुंच गई जब जंगल में जाए, ओ पुरबाई की हवा के रानी को रही अंगड़ाई आई, तो ऐसी प्यारी चले अब पुरबाई, अब दुपट्टा फर फर होई के भैया प्यारी तो चली रही पुरबाई, जब दुपट्टा फर फर होई के भैया प्यारी तो चली भई पुरबाई, ये दुपट्टा फर फर होई बे तो प्यारी तो चली भई। ऐसा मस्त मौसम जिस समय रानी पवन रेखा ने देखा, भक्तों अब सहेलियां हो गई हैं पश्चिम की तरफ और पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ। भक्तों इतनी मदहोश हो गई हैं ये लड़कियां कि एक दूसरी सखी का ध्यान ही नहीं रहा, और पवन रेखा पूरब की तरफ जा रही है, एक छोटा सा गीत गुनगुनाती है। कौन सा गुनगुना रही गीत? तेरे दिल में, गीत गाती हुई जा रही है, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी, प्यारा गीत गाती हुई जा रही है, तुम चंदन बनोगे मैं पानी बनूंगी, पानी बनूंगी पानी बनूंगी, मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तुम भमरा बनोगे स्वामी स्वामी,
भमुरा 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 बनोगे ओ स्वामी, मैं कली बन करके झुकूं स्वामी, बागों में मिलूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी। इस तरह गाती हुई जा रही है तो दोस्तों तब तक क्या हुआ, एक शेर की हुंकार महारानी के कान में पड़ी तो जो उनकी नजर गई, शेर बंदर भेड़िया अजगर, जो इनको देखा महारानी आंखें बंद करके चीखन लगी, सखी जल्दी आओ ये शेर मेरी तरफ आ रहा है, दीदी जल्दी आओ ये अजगर मेरी तरफ मुंह फाड़ रहा है। लेकिन दोस्तों लड़कियों का फासला हो चुका था। बिल बिलाई बिलखाई कहां गई हाय सहेली मेरी, अकर बंद तो आंखें नार रे जंगल में भैया तेरी, आ जाओ नहीं आ, घबरा रही है। अरे नारी जब तेरी नारी हाय तेरी नारी जब तेरी नारी जब तेरी, और हिलकी भर के सहेलन को के नार भैया तेरी। आवाज तो सुन नहीं पाई है जाकी छाती जो थर्राई है, शेर भेड़िया आई है अजगर रहो मोह फैलाई है रे, आज महारानी पवन रेखा की कोई आवाज नहीं सुन रहा है, शेर बंदर भेड़िया अजगर इनको देखकर उसका हृदय कांप रहा है। भक्तों तब तक एक गजब हो गया, क्या दुर्मिलक नाम को राक्षस एक घूमत घूमत आयो, दुर्मिलक नाम का राक्षस घूमता हुआ आया। दोस्तों दुर्मिलक नाम को राक्षस एक घूमत घूमत आयो, और पवन रेखा को देखो रे अब देखो 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 रे मुंह में पानी भर आयो, महाराज देखने में है सुंदर हूर और जोबन में भरपूर जवानी में है चकनाचूर, ओरी हम जोली ओरी मेरी आली जिया रा धक धक होए रहो है ये नारी रही ये घबराई, ओरी हम जोली जियरा धक धक बाको हे रहो है बके प्राण रहे घबराई, ओरी भाईली जियरा धक धक जाको बेड़े। दोस्तों दिमाग में रखना, इधर पवन रेखा व्याकुल होके रो रही है, इधर दुर्मिलक नाम का राक्षस घूमता घूमता आ गया जो पवन रेखा के यौवन को देखा, कमीन की आंखों में वासना तैर गई और मन ही मन में कहने लगा ये कौन है लड़की जो अकेली आ गई यहां, मुझे ऐसा प्रतीत होता है विधाता ने इसे मेरे लिए रचा है। तभी तो ये नदी समुद्र से मिलने आई है। इधर पवन रेखा आंखें बंद कर चीख रही और तब तक दुर्मिलक नाम का राक्षस बोला, ए बबर शेर की पत्नी होकर जंगल के भेड़ियों से डर गई
घबराओ नहीं लोगों, पापी ने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, क्योंकि राक्षस माया भी होते हैं। निसर माया भी होते हैं, सच्चा न समझिए गायन को, और उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। समझिए सती भाई साहब, निसर माया भी पापी माया भी होते हैं, सच्चा न समझिए गायन को, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। ये राक्षसों की पहचान है कि निश्चर माया भी होते हैं, सच्चा न समझिए गायन को, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। पहले के राक्षस थे ऐसे, और आज के राक्षस को क्या पहचान है बता दूं। जो काहू की सुने बड़ाई, आज के राक्षस कैसे हैं सतीश भाई साहब? जो काहू की सुने बड़ाई, श्वास ले तिम जुड़ी आई, श्वास ले तिम जुड़ी आई, श्वास ले तिम। ये पहली पहचान है राक्षस की, के जो काऊ की सोने बड़ाई और श्वास लेत जम जुड़ी आई, और जो काऊ की देखे विपत्ति, जो काऊ की देखे विपत्ति, सुखी हो तो मानो जगन्नपति, सुखी हो तो मा नौ जगन्नपति, सुखी हो तो मा। दूसरों की मुसीबत को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं मानो संसार के हम राजा हैं, आज के राक्षसों की ये पहचान है। दोस्तों, पवन रेखा की जो नजर गई वह दुर्मिल्क नाम के राक्षस पर, हाय हाय, वो भोली भाली नहीं पहचान सकी कि जे बहु रुपया है, जे मेरी इज्जत के साथ रंगरलियां मनाने के लिए मिठबोला मीठी मीठी बातें कर रहा है। और क्या बोला है दुर्मिल्क? बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला, हिम्मत वाला। मेरे सन्मुख तुझे कौन देखेगा, आइस बहार का सुख लूटे। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। आइस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शरमाए। मैं चंपा गुलाब और नरगिस से बाजी बद के आया हूं कि तुम मेरी प्राण प्यारी के बराबर सुंदर नहीं हो। अगर तुम्हारे सामने गुलाब आए, आए गुलाब तो ओठ जरा बाके सामने हिलाई दीजो, कमलों के लिए मेरी सजनी दो चंचल नैन चलाई दीजो। कैसा सुंदर ये मौसम, कितना सुंदर है हे प्राण प्रिय, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कष्टदायी वक्त है। और बताऊं, जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे, ये कलंक मिटाएंगे, बांझपन का निशान मिटाएंगे।
मैया नहीं समझ पाई कि जब मिठबोला मेरी इज्जत से खेलने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहा है। जल्दी हो जा तैयार प्रिय आ जाए यहां कोई बसर नहीं, तब धीमी जवान में बोली है मैं कब तुमको तैयार नहीं। तब धीमी जवान में बोली है मैं कब तुमको तैयार नहीं। तब धीमी जवान में बोली है मैं कब तुमको तैयार नहीं। बेड़े आज घूंघट खोल के अपने पति से बोली कि हे प्राणेश्वर, औरत तो घर की थाली है, नारी तो घर की थाली है, मैंने कब तुम्हें मना किया। भक्तो, उस पापी ने धोखे से इज्जत लूटी रे, ना समझ सकी अब नारी। ओठन की लाली छूट गई रे, ओठन की लाली छूट गई रे, धूल में सन गई सारी। महाराज दुष्ट पर ठाड़ो हुई आओ है, और असली सूरत देख नार के जाड़ो हुई आओ है। भैया लख पापी को रूप पेट में पानी हुई आओ है, यारो लख पापी को रूप पेट में पानी हुई आओ है। भैया रुखो दुष्ट को रूप पेट में पानी हुई आओ है। पानी हुई आओ है पेट में पानी हुई आओ है। भैया लख द्रौपदी को रूप प्रभु की। ध्यान रखना भक्तो, जिस तरह से द्रौपदी के हृदय कांप गया था जिस समय वो पापी जयद्रथ अपहरण करने की चेष्टा करता, वही हालत हो गई आज पवन रेखा की। ओरे बेहिया, ओरे बेश्रम, ओरे लुच्चा, तूने मेरी इज्जत को मेरे पति का रूप धर के लूट लिया। पापी बोल, हत्यारे में अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं। और इतना कहकर ये फपक फपक के रोने लगी। कमीना, तू ही मेरे ऊपर था। अरे लुच्चा बेईमान के यो बिभिचारी, रोए के बोली, लुच्चे बेईमान नीच व्यभिचारी, तेरो हुयो सत्यानाश निघावो पेडारी। महाराज में कैसे अब घर को जाऊंगी, प्राणे सुर जब पड़े सामने, प्राणे सुर सन्मुख आवे मोके से दिखलाऊंगी। प्राणे सुर सन्मुख आवे बोल, ओरे कमीना, मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं। देवी तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई लेकिन गोरी चिंता न करो, मैं मुद्दतों से देख रहा था कि तेरी गोदी खाली है। जब तूने मेरी इच्छा पूर्ण की है तो मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूं। हमारे वीर से, तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा कैसा। अरे हो बड़ो बलवान जमी असमान कांपे सारे, देवता तो बाके घर में गोरी दिए अरे बुहारे। और बता दूं,
अरे सभी हो दिगपाल, अरे मही पल पर गुलामी सारे, गुलामी सारे। संतन को बड़ो सताए रे तब प्रभुवा को हाय मारे, संतन पे जुल्म जो ढाये रे तब प्रभु आए के मारे। ऐसा बालक पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा, गाय ब्राह्मण और महात्माओं को बहुत सताएगा, लेकिन वो परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। योरे लुच्चा, ये तो मैं भी जानती हूं, जब तू इतना नीच और लफंगा है तो तेरे वीर से हमारे पेट से बच्चा बलवान और सुंदर विद्वान कैसे पैदा होगा। लेकिन हो रे कमीना, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। भक्तो, वो पापी तो मुस्कुराता हुआ चला गया, पवन रेखा कांप रही है। और तोलोबा की संग की सहेलियां आ गई। एक लड़की बोली, अरे महारानी साहिबा, आप कांप क्यों रही हैं? आपकी होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? आपकी लट बाली में कैसी उलझ गई? आपकी साड़ी धूल में क्यों सन गई? कई प्रश्न कर दिए, लेकिन पवन रेखा ने हकीकत को छुपा लिया। कहना, तुम तो मुझे छोड़ के चली गई, तोलो यहां एक गजब हो गया। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया, सारा सिंगार बिगाड़ गया, बहना चादर को फाड़ गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, याली चादर को फाड़ गया, दीदी चादर को फाड़ गया, गुइया चादर को फाड़ गया, हाय हाय चादर को फाड़ गया। बेड़े बहन, एक बहुत मोटा ताजा बंदर आया, उसने मेरे गाल में तमाचा मारा, मैं लड़खड़ा के जमीन पे गिर गई तो मेरी साड़ी धूल में सन गई, होठों की लाली गालों पर आ गई, लटबाली में उलझ गई, दीदी मेरा दिल धड़क रहा है, जल्दी घर चलो। ले संग सहेली संग गई थी उमंग चली अज प्यारी, और गई मेलन में आई, अरे गई मेलन में आई बिथा की मारी, वो गई महलन में आई। लोगों महलों में आ गई, कछु कही न पति सो हाल, हतो बेहाल सुनो सरदारी, घटना की कर कर याद कुड़ती है नारी। अरे उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़ी रे लगुन फिर जाए, आए उनके जियरे को समझावे जिनकी ब्यानी है भैंस मर जाए। को समझावे से जब चढ़त नार मर जाए, हर रानी के जियरे को समझावे धोखे में आई है धर्म लुटाई। यार मेरे धीरे धीरे, मित्र मेरे धीरे धीरे, रानी के हुई आए पूरे नौ मास, यार मेरे धीरे धीरे, रानी के पूरे भय नौ मास, महल में धीरे धीरे। हाँ बेड़े, दो
दोस्तों दिमाग में रखना, धीरे धीरे उदर वृद्धि, महारानी का उदर बढ़ने लगा और वो पाप पेट में पनपने लगा। जब 9 महीने पूरे हुए हैं तो जो पवन रेखा से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा? अरे भाव वा भाग व्यध्वंस, पैदा भाव कंस, सुनो मेरे भाई, जब जन्म दुष्ट ने लयो धरा थर लाई, जब जन्म पापी ने लयो भक्तो, कंस पैदा हुआ। और एक बात और बताऊं, जब सपूत पैदा होते तब तो सगुन होते हैं और जब कपूत पैदा होते तो असगुन होते हैं। दोस्तों बहुत बुरे असगुन हुए, उल्का पात होने लगा, गाय खूंटा पे डांपने लगी, बछड़ा रमाने लगे, वृक्षों पे पत्ते हरा गया, तूफान बिना बादल के बिजली कड़क रही है, चूहा तो इतना बढ़ गया कि सड़कों पर चूहा, खेतों में चूहा, घरों में चूहा, ऐसा ही नहीं कुत्ता गलियों में बुरी तरह से रोने लगे हैं। सियार जब रोते हैं लोगों तो दिमाग में रखना, सियारों के मुंह से आग की लपटें निकल रही हैं। पैदा होते ही उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। उल्लू दिन में बोल रहे हैं, कौआ रात में बोल रहे हैं, सारसों की जोड़ी जो है, सारसों की जोड़ी ये रात में मथुरा पे उड़ उड़ के आवाज दे रहे हैं कि अनिष्ट पैदा हुआ है। बादल गरजो धड़ 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 और आंधी ने अपनी ध्वनि की, आधार की छाती धड़क गई, हिल गई थी धार यमुना जी की। अरे सती सती आत्मा बिकल भाई, हिल गई थी धार यमुना जी की। जिस समय पापी कंस पैदा हुआ भक्तों, भयंकर असगुण हुए हैं, धीरे धीरे ये कंस 10 वर्ष का हो गया। गांव के बच्चन को खेलबे के बहाने ले जाए, काऊ को मूड काट ले, काऊ की आंखें फोड़ दे, काऊ को जमीन में दबाए दे, काऊ को पानी में डुबोई दे, और कोई अंधो आए रहो हमें रास्ता बताइयो, रास्ता बताइयो, कंस उंगलिया पकड़ के तो कुआ में धकेल दे या कांटने के झांकने में झोंकी दे। और भक्तों जब कंस 18 साल का हुआ, हाय हाय 18 गुंडा जके संग में, और जब तो हम तुम देखते ही हैं कि बड़े बाप को बेटा अगर आगरा घूमन जाए तो 2-4 चमचा पिछेड़ा जरूर लगे होंगे, वे थैलियन वाले शराब वाले दुम हिला रहे होंगे, अबू तो भैया राजा को लला। 18 गुंडा बके साथ में लोगों, और सुबह ही निकल जाता जे पापी गरीबों के गांव में और कितने अत्याचार कर रहा है। अरे मंदिरों में गईयां कैसे रहते, मूर्तियों पे गईयां कैसे रहते, मंदिरों में लोहू बहता था, मूर्तियों पर गईयां के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था, कुटियों का हरे के सुतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। ये हालत हो गई दोस्तों। इधर बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचने को चली, और जो मथुरा में घुसी तो कंस बाई गली में गुंडन को लेंठारो, ए लड़की कहां से आई हो? एक लड़की बोली, कुमार साहब
आपने मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तो रोजी बरसाने से दही बेचने को आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। एक बात बताओ, तुम हमें जानती हो मैं कौन हूँ? एक लड़की बोली, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुआरी हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब इन तीन की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं हुई, जसाल बात चल रही है। ये तीनों लड़कियां कहां ब्याही हैं? एक लड़की बोली, गोकुल में। कंस कहने लगा, मथुरा के लड़के मर गए तो तुम्हें तुम्हारे बापों ने गोकुल में किया? गुन्नों को इशारा दिया है, इन देव वृक्ष से बांध रे मत दे रहुआ रे लगाइयो, चमड़ा को हंतर लेके इनको मार के धरन गिरइयो, महाराज दही अब तीनों लड़की बंधवाई और नोचा नीचे लफंगा रहे कोड़न की मार लगाई, मेरे दादा सखी रही हाय हाय डकराई और कपड़ा सब फट गए खून जब रहो बदन से आई, मेरे दादा सबई गैया सी डकरानी और पापी नीच गमारन नाई दया बिल्कुल यानी, मार के धरन गिराए दई है और लख तीनों की दशा मेरी छाती थर्राई गई है, मार के धरन गिराए दई है। आज बब पापी कंस के इशारे पर आ गुंडों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया, लड़की आधी झुकी और पापी ऊपर से कोड़ों की मार कर रहे हैं, खून की पिचकारी छूट रही, कपड़ा फटफट के गिर रही, भक्तों जब ये बेहोश हो गई, एकदम कंस ने हाथ उठा दिया, उन गुंडों ने मारना बंद कर दिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित अब दोनों कुआरी लड़कियां कांपने लगी, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो, ये दही वाली मथनियां जमीन पर धरो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। दोस्तों वह चीख नहीं प्राण निकाल लिए, बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर, वो याद दृश्य जब आता है याधार के आते आंसू भरे, वो याद दृश्य भाई वो याद दृश्य जब आता है आधार के आते आंसू भर, दोस्तों आज उन लड़कियों की ये हालत कर दी। जब बरसाने के लोगों ने सुना, एक प्रतिनिधि मंडल महाराज उग्रसेन के दरबार में पदार्पण करता है और अपनी लड़कियां सामने करके कहने लगे, महाराज ये तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा, देखिए मेरी बेटियों की हालत, क्या राजा का यही धर्म है कि प्रजा के साथ में ऐसा सुलूक करे? दोस्तों जो उन लड़कियों की दीनमय दया दशा देखी है महाराज उग्रसेन ने, आज उनकी आंखें छलक आई, हुक्म कर दिया मेरे बेटा कंस को मेरे दरबार में पेश किया जाए। दोस्तों भोजराज कंस आ गया दरबार में, महाराज उग्रसेन को प्रणाम किया, लेकिन उग्रसेन ने प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और कहा कि बेटा कंस, राजा और प्रजा का रिश्ता शेर और बन जैसा है, जब शेर बन को उजाड़ देगा तो अपने को कहां छुपाएगा, और जब राजा जनता पे जुल्म ढाएगा तो तूफान आ जाएगा, क्रांति हो जाएगी, आर्थिक अन्याय की चक्की में पिसरी गरीबों की हड्डियों की चरमराहट एक दिन रंग दिखाएगी
और ये मथुरा का तखत पलट जाएगा। बूढ़े बाप तुम कहना क्या चाहते हो? उग्रसेन कहने लगे, मैं ये कहना चाहता हूं ये लड़कियां जो बेहोश हैं इनकी दुर्दशा तुमने की है। हां बूढ़े बाप हमने की है। क्या बुरा किया? कोई बुरा नहीं किया, प्रजा के साथ यही होना चाहिए जो मैं किया। तू नशा में है और मदांध दारू पीने वाले, जब परिवार में कभी किसी ने ऐसा दुर्ब विषय कभी नहीं अपनाया जो तूने किया। न ऐसा काम हमारे दादे पर दादे ने, और जैसा कि ना काम के तो पापी हराम जादे ने। अरे किया न ऐसा काम हमारे दादे पर दादे ने, और जैसा कि ना काम के हाय पाती हराम जादे ने। हमारे दादे पर दादे ने ये कर्म नहीं किए जो तू कर रहा है। कमीन, तू मेरी औलाद है या किसी नालायक दुष्ट की औलाद है? बूढ़े बाप मेरी एक बात सुनो, तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। तुम नहीं जानते कि जनता को सीधे कैसे किया जाता है, सत्ता को संभालना तुम्हें नहीं आता। सुनो क्या बोला कंस, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और दो अंगुल की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से, कंस राज पुर जाके हो ठिकाने लावे डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान गए डंडे से, दो अंगुल की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से, और राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से, कंस राज पर जाके हो ठिकाने लावे डंडे से। दोस्तों उसी समय कंस ने कहा कि बूढ़े बाप जब गद्दी को छोड़ो तुम्हारा पुत्र बालिग हो गया, और भक्तो उसी वक्त अपने बाप को पकड़ के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां और काल कोठरी में बंद कर दिया। कंस मथुरा का राजा बन गया। समझो वैसे करेला कड़ू तो नीम पे बढ़ेगा। और जो राजा कंस बना, पहला अत्याचार उसका किसानों पर टूटा। लोगों किसानों का खून कैसे पिया? टैक्सों में और लागानों में अरे दे दई सभी कमाई, और गए बीच में खाई रे ना खाते में जमाए पाई। महाराज दुष्ट अब जो हर कर रहो है, और जनता व्याकुल वही गजब ऐसे हरी रहो है। और यही नहीं, पापी की दशा क्या कहें, टैक्सों की हालत बेदब थी, घर पर पशु पर देवाले पर आधार कसम से कह रहे हैं बन चेक चलियो, शौचालय पर बन चेक चलियो। लोगों पापी कंस के अत्याचार में कैसे बताऊं? ऐसा ही नहीं, नई नई उम्र की लड़कियन को पापी ने घर में जोड़ा था,
बाहर की दशा कहूं कैसे, नौकर साई का दौड़ा था। कंस ने सुन लिया कि उसकी लड़की बहुत सुंदर है। दोस्तों उसी समय लड़की के बाप के लिए वारंट, वारंट लगे जारी होने, हथ करी बेड़ियां पड़ने लगी। लड़कियन के बापन की लाशें यारो जेलन में सड़न लगी। देवता व्याकुल भय धीर नहीं धारे, ब्रह्मा से जाए के सभी तो हाई पुकारे। महाराज लाजे अब मेरी हरी रही है, ओ कंस के अत्याचारन ते अब धरती हिल गई है। अरे ध्वन दे सुन ले मेरे भाई, और लाला के सित से आगे अब कथा रहे गाई।